साथियों, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ बैंक की एक और खास टर्म IFSC कोड के बारे में। IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो साथियों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है? ये एक 11 डिजिट का नंबर होता है जिसके फर्स्ट फोर डिजिट जो है किसी पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड होते हैं, जैसे SBI या फिर आपका PNB, कैनरा बैंक के लिए CNRB, तो इस तरह से यूज़ की जाती हैं, ठीक। और इसका जो फिफ्थ लेटर होता है वो जीरो रहता है, साथ ही साथ इसके जो बाद के 6 लेटर होते हैं वो पर्टिकुलर बैंक ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से IFSC कोड जो है एक बैंक के किसी ब्रांच का जो है एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जिससे ट्रांजेक्शन को सिक्योर किया जाए, जिससे ट्रांजेक्शन्स में होने वाली गलतियों को बचाया जा सके और आपका जो ट्रांजेक्शन्स रिसोर्सेज हैं उनका आसानी से पता लगाया जा सके। साथियों, IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है नेफ्ट द्वारा ट्रांजेक्शन करने में, RTGS द्वारा ट्रांजेक्शन करने में, साथ ही साथ IMPS यानी कि जितने भी ऑनलाइन मनी जो है ट्रांसफ़र करने के ऑप्शन होते हैं वहाँ पर IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो साथियों, आज आपने जान लिया है IFSC कोड, तो होपफुली ये टर्म आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। इसी तरह की टर्म्स को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।